देखिए आपको बता दें कि बालासोर रेल हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है। बालासोर रेल हादसे में 1100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट जल्द सामने आएगी। रेल मंत्री का कहना है बालासोर में दोनों ट्रैक के मरम्मत का काम पूरा हो गया है। रेल हादसे के 51 घंटे के बाद ट्रैक से गुजरी है ट्रेन। हादसे के 51 घंटे बाद खुला रेल रूट और मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच होगी। रेलवे बोर्ड की सिफारिश के बाद ये फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच होगी और रेलवे बोर्ड की सिफारिश के बाद ये फैसला लिया गया है। वहीं इस हादसे के बाद, हादसे के 51 घंटे के बाद रेल रूट खुल गया है और अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में ये रेल रूट खुला है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचवा रहे हैं, जहां बालासोर में दोनों ट्रैक के मरम्मत का काम पूरा हो गया है और हादसे के 51 घंटे के बाद अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में रेल रूट एक बार फिर से खुल गया है। बालासोर रेल हादसे में 275 लोगों की मौत हो गई है और बालासोर रेल हादसे में अभी तक 1100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट जल्द सामने आएगी, ऐसा रेल मंत्री का कहना है। और बालासोर में दोनों ट्रैक के मरम्मत का काम पूरा हो चुका है। रेल हादसे के 51 घंटे बाद ट्रैक से गुजरी ट्रेन और मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच होगी। रेलवे बोर्ड की सिफारिश के बाद यह फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जहां रेल मंत्री मौजूद हैं और रेल मंत्री की मौजूदगी में 51 घंटे बाद, हादसे के 51 घंटे के बाद एक बार फिर से ट्रैक से ट्रेन गुजरने लगी है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेल हादसे के 51 घंटे के बाद ट्रैक से गुजरी ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस दौरान मौके पर मौजूद रहे और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरों में, जहां पर रेल मंत्री मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में उनके नजरों के सामने हादसे के 51 घंटे बाद ट्रैक से ट्रेन गुजरी है। ये देखिए, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हादसे के 51 घंटे के बाद रेल मंत्री मौजूद हैं और रेल मंत्री की मौजूदगी में 51 घंटे के बाद ट्रैक से ट्रेन गुजरी है। और बालासोर रेल हादसे में अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उन पर कड़ी से कड़ी सजा होगी और इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच भी होगी। रेलवे बोर्ड की सिफारिश के बाद यह फैसला किया गया है कि इस घटना पर सीबीआई जांच होगी और मरम्मतीकरण का कार्य पूरा हो गया है। और 51 घंटे बाद, हादसे के 51 घंटे बाद अब फिर से पटरी पर ट्रेन दौड़ने लगी है और इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे हैं। उनकी मौजूदगी में उनकी नज़रों के सामने एक बार फिर से पटरी पर ट्रेन दौड़ने लगी है। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मरम्मतीकरण का कार्य चल रहा है। हालांकि मरम्मतीकरण का कार्य पूरी तरीके से पूरा कर लिया गया है और अब एक बार फिर से पटरी पे ट्रेन दौड़ने लगी है और इस दौरान रेल मंत्री भी मौजूद नज़र आ रहे हैं। उनकी मौजूदगी में उनकी नज़रों के सामने एक बार फिर से पटरी पे ट्रेन दौड़ने लगी है। रेल मंत्री लगातार इस घटना पर नज़र बनाए हुए हैं, लगातार घटना के बाद वहां पहुंचकर वहां पर लगातार डटे नज़र आए। जब तक एक बार फिर से पटरी पे ट्रेन नहीं दौड़ने लगी, तब तक रेल मंत्री वहां पर मौजूद नज़र आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता एसके जबरुद्दीन। जबरुद्दीन, अभी इस वक्त वहां क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि 51 घंटे के बाद, घटना के 51 घंटे के बाद एक बार फिर से पटरी पर ट्रेन दौड़ने लगी है। जी, जो ट्रेन हटा था बहानागा बालेश्वर स्टेशन पे, जहाँ पे जो दुर्घटना हुई थी ट्रेन का, और जो रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव घटना स्थल पर मौजूद रहकर 1000 लोग इसमें शामिल थे। इसका मरामती कार्यक्रम किया गया था, जिसमें से देखा जाए तो अगर जो ट्रैक था, लगभग 1 किलोमीटर का जो वायर था, इलेक्ट्रिक वायर था, वो बिल्कुल
खराब हो चुका था और 15 से ज्यादा जो इलेक्ट्रिक पोल था वो टूट चुका था। सारे काम लगभग 51 घंटे लग गए रिकवरी करवाने के लिए। और सारा काम खत्म होने के बाद फर्स्ट टेस्ट के लिए इंजन को उस ट्रैक पर चलाया गया, उसके बाद मालवाही जो ट्रेन होती है उसको चलाया गया। और आज सुबह की अगर बात किया जाए तो लोकल और एक्सप्रेस ट्रेन भी उस लाइन से गुजर चुकी है। जो दोनों लाइन थे अपलाइन और डाउनलाइन, सबसे ज्यादा जो था नष्ट हुआ था वो था डाउनलाइन। डाउनलाइन कम हुआ था, अपलाइन सबसे ज्यादा हुआ था। सबसे पहले डाउनलाइन के काम को कंप्लीट किया गया, उसके बाद अपलाइन का काम को कंप्लीट किया चुका है। इसके जिस तरीके से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि लगातार जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव वो वहां पर डटे रहे, जैसे ही घटना की सूचना मिली वो मौके पर पहुंचे और वो तब तक डटे रहे जब तक एक बार फिर से पटरी पर ट्रेन नहीं दौड़ने लगी। किया जाए उनकी जितने भी तारीफ किया जाए उतना कम है। ये ऐसा एक हादसा था उड़ीसा का, जिसमें से केवल उड़ीसा नहीं पूरा देश की आंखें नम हो चुकी थी। इस घटना को लेकर सारे देश जब रो रही थी, वैष्णव वैष्णव सारे काम छोड़कर केवल उसी स्थान पर मौजूद रहे और ये काम को आखिर तक उस जगह पे डट कर रहे और आखिर तक जब तक ये काम बिल्कुल खत्म ना हो जाए और जब तक इस पटरी पे ट्रेन ना चले, तब तक वो उस जगह पे मौजूद रहे और सारे काम को देखते रहे। और पूरे जब काम शुरू हो चुका था और जब खत्म हुआ, जब ट्रेन चलने लगी, तब वैष्णव वैष्णव ने जो मालवाही ट्रेन थी और जो इंजन थी उनको हाथ हिलाकर स्वागत किए। बहुत ही अच्छा था। जो कि वैष्णवी वैष्णव जो थे रेल मंत्री, उनकी जितने भी तारीफ किया जाए उतना बहुत कम है। इसके अगर देखा जाए तो इस घटना पर सीबीआई जांच की भी बात उन्होंने कही है। रेलवे बोर्ड की तरफ से सिफारिश की गई थी कि इस पूरे घटना पर सीबीआई जांच करवाई जाए, जिसके बाद रेल मंत्री ने कहा है कि इस पूरे घटना पर सीबीआई जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो घटना था इसके पीछे किसका हाथ है और ये क्या षड्यंत्र है, इसके बारे में सीबीआई को सौंपा गया है इस केस को इन्वेस्टिगेशन के लिए। और बहुत जल्द ही इसका रिपोर्ट आने के लिए भी जो सूचना बताया गया है कि अगर सीबीआई इसको जांच करेगी तो इसमें से जो दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी, ऐसा भी रेल मंत्री ने बोल चुके हैं। जो भी दोषी होंगे, जिनकी भी गलती होगी, उन पर कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। इसके हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में अब तक 270 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 1100 से ज्यादा लोग घायल है। घायलों की क्या स्थिति बताई जा रही है इस वक्त, उनकी उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ जानकारी है? जो अभी जो भी घायल थे अस्पताल में, कुछ ऐसे घायल हैं जो कि पंजाब हरियाणा और बिहार के हैं, जिनके जो परिवार के लोग हैं वो अस्पताल पहुंचे नहीं हैं और रास्ते पे है आ रहे हैं। जो स्थानीय विधायक हैं सौरभ कुमार दास, उनको किस तरीके से वो घायल लोगों को घर तक पहुंचाया जाएगा उनका एक स्पेशल जो है व्यवस्था किया गया है। और ऐसे भी कुछ बॉडी है जो कि कटक भुवनेश्वर पे मौजूद है, जिसका अभी तक जांच नहीं हो चुकी है और सारे जो डेड बॉडी है उनका तस्वीर उठाया गया है और जो लोग आ रहे हैं उनको दिखाया जा रहा है। और बॉडी की जो जांच है, जांच प्रक्रिया है वो चालू है। और कुछ ऐसे बॉडी है जो अब तक घर नहीं गई है और जिनकी जांच हो चुकी है उनके परिवार बॉडी को घर लेके चले गए हैं अंतिम संस्कार के लिए। इसके कई सारे ऐसे हैं मृतक जो हैं जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है, उनकी पहचान करने के लिए रेलवे की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, पदाधिकारियों की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल। उनके लिए जो उनकी तस्वीर को खींच कर उसका प्रिंट निकाला गया है और सामने एक टेबल पर सब रखा गया है, उसका प्रक्रिया जारी है। और कुछ को जिसका बिल्कुल नहीं पहचान मिल रहा है उनको ट्विटर पे पोस्ट किया गया, सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बताया जा रहा है, उसकी तस्वीर को दिया जा रहा है कि इसके बारे में अगर कोई किसी को अगर पहचान मिले तो वो एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, उस टोल फ्री नंबर पे 24x7 पे वो कॉल कर सकते हैं और वो बता सकते हैं। उनको पूरी तरीके से विभाग की तरफ से सहयोग किया जाएगा, ऐसा सूचना मिली है। और ये जो घायल हैं 1100 लोग, 1100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं, तो 1100 लोगों को कहाँ कहाँ भर्ती कराया गया है, किस किस अस्पताल में उन्हें भर्ती किया कराया गया है, क्या उनकी स्थिति को देखते हुए अलग अलग अस्पताल में उन्हें पहुंचाया गया है? जी बिल्कुल। जो जिस टाइम घटना हुआ था जो घायल लोग थे वो बालेश्वर के जो बड़ा हॉस्पिटल है वहां पे गए, कुछ सोरो पे, कुछ भद्रक, कुछ कटक पे उठाया गया और कुछ ऐसे रह गए जो कि घरेलू हॉस्पिटल होते हैं
वहां पर भी उनको भिजवाया गया है। और विभाग के तरफ से और जो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक के तरफ से हर तरीके हर हॉस्पिटल को अलॉटमेंट कर दिया गया कि फ्री में इलाज का इंतजाम वो सारे घायल लोगों के लिए किया जाए। अभी भी अगर देखा जाए तो जितने सारे अस्पताल हैं उस हॉस्पिटल में कुछ कुछ घायल अभी मौजूद हैं, बाकी कुछ घायल जो रह गए थे वेस्ट बंगाल के वहाँ के जो परिवार वाले तो है वो अपने जिले को लेकर चले गए हैं। ठीक है अस्कर, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। नज़र बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। और एक बार फिर से आपको बता दें कि 51 घंटे के बाद ट्रैक पे एक बार फिर से ट्रेन दौड़ने लगी है। अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है, टोटल रात में करीब करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे, ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। और वक्त एक छोटा सा ब्रेक का।